नुह हिंसा में सुर्खियों में रहे नाम मामन खान इंजीनियर। आपको बता दें कि फिरोजपुर जिरका विधानसभा से मामन खान इंजीनियर नुह 31 जुलाई को जो नुह में हिंसा हुई थी उसमें काफ़ी सुर्खियों में नाम रहा था। जिस तरीके से मामन खान इंजीनियर का नाम बार बार नुह हिंसा को लेकर आ रहा था, जिसके बाद नुह पुलिस द्वारा मामन खान को 31 तारीख के लिए पूछताछ के लिए एक नोटिस दिया जाता है। उस पूछताछ के नोटिस को लेकर आज सुबह से ही नगीना थाना में उनको बुलाया गया था, लेकिन नगीना थाना वो नहीं पहुँचते हैं और बाद में मैसेज आता है कि मामन खान आज नुह की जो पुलिस लाइन है उसमें पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर भी मामन खान पुलिस लाइन में नहीं पहुंचते हैं। सूत्रों से पता चला है कि जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे पता चला है कि मामन खान को तबीयत ख़राब है, इसलिए वो आज नुह में पूछताछ के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि SIT टीम द्वारा उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। क्योंकि जिस तरीके से मामन खान का बार बार यही नाम आ रहा था कि जिस तरीके से हिंसा भड़की है उसमें मामन खान की अहम भूमिका रही है, लेकिन SIT टीम द्वारा उन्हें नोटिस देने के बाद जब नगीना थाना में उनको पूछताछ के लिए बुलाया तो वह वहाँ पर भी नहीं आए। और 2 बजे के बाद एक मैसेज आता है कि मामन खान नुह की पुलिस लाइन है उसमें पहुंचेंगे पूछताछ के लिए, लेकिन वहां पर भी वह पूछताछ के लिए नहीं आते हैं। उन बाद में एक मैसेज आता है कि मामन खान की तबीयत ख़राब है, इसलिए वह आज पूछताछ के लिए नहीं आएंगे। अब देखना यह है कि अगले कितने दिन बाद मामन खान को दोबारा पूछताछ के लिए SIT टीम बुलाती है। पंजाब केसरी TV के लिए नुह मेवात से अनिल मोहनिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।